गुड इवनिंग बेटा प्रज्ञा। चलो हाँ भाई, कल के लेक्चर में हमने जो बातें स्टार्ट करी थी, कल के लेक्चर में हमने जो कार्यक्रम स्टार्ट करा था वो क्या था, तो आप लोगों ने क्या बोला था कि सर हमने जो बातें पढ़ी थी बेटा वो पढ़ी थी एस ब्लॉक केमिस्ट्री की, और एस ब्लॉक केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो आपने कहा था कि एस ब्लॉक केमिस्ट्री में हमने एल्कली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, एल्कली मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, वाटर के साथ रिएक्शन है, एयर के साथ रिएक्शन है, उसका जो फ्लेम टेस्ट है, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। जाते जाते हमने जो है वो लास्ट में उनकी थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी और काइनेटिक रिएक्टिविटी की बात करी थी, जो बात हमारी ख़त्म हो गई थी। ठीक है सर, यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताएं बच्चा, क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आगे बढ़े, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताएं भाई, जल्दी से बता दो, क्या बेटा किसी को कोई समस्या है क्या, अरे कोई प्रॉब्लम है या आगे बढ़ें, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है या आगे बढ़ें, आगे बढ़ो सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो, तुम एक दिन बहुत आगे पहुंच जाओगे, एक दिन बहुत आगे पहुंच जाओगे। चलिए भाई, तो कल के लेक्चर में हमने जहां पर ख़त्म किया था, कल के लेक्चर में जहां पर हमने ख़त्म किया था उससे आगे की बात मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी की, रासायनिक क्रियाशीलता की बातें हमारी चल रही थी, तो उसमें हमने बता दिया था नाइट्रोजन के साथ एयर के साथ कैसे रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एयर के कंपोनेंट होते हैं, तो अलग अलग पढ़ने के बजाय हमने एक साथ पढ़ लिया। यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकलता था कि सर एल्कली मेटल जो हैं उनमें केवल लिथियम ही क्या करता है, नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता, सीधा सट आंसर, क्लियर है। उसके बाद हमने कहा था लिथियम जो है वो एयर के साथ ऑक्साइड बनाता है मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, परऑक्साइड। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट परऑक्साइड था, माइनर प्रोडक्ट जो है वो ऑक्साइड था। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम मेजर प्रोडक्ट सुपर ऑक्साइड था, माइनर प्रोडक्ट परऑक्साइड था। वाटर के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस देते थे, आपने थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी और केमिकल काइनेटिक रिएक्टिविटी की बात करी थी। काइनेटिक रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी जो है वो टोटल रिलीज्ड एनर्जी, नेट रिलीज्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। आपने देखा था काइनेटिक रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती जाती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चलता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी जो थी उसमें टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेकिन लिथियम सबसे आगे होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम पिद्दी सा होता है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रिलीज्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा कर्मकांड आपके सामने होता था। क्लियर सर, यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं था, तो चलिएगा आगे की कहानी सुनाता हूं। सुनो, अगली रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना सर। आप लोगों के पास क्या होती है, अमोनिया गैस, लिक्विड अमोनिया अलग से पढ़ाऊंगा, लिक्विड अमोनिया अलग से पढ़ाऊंगा, पहले अमोनिया गैस की बात करते हैं। अमोनिया गैस ले लो, या फिर तुम चाहो तो अमोनिया गैस के साथ क्या ले सकते हो बेटा, अपन कहते हैं C2H5OH, एथाइल एल्कोहल ले सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वो चीजें बता रहा हूं भैया ना, जैसे तुम ले सकते हो C2H2, इनको एनसीईआरटी ने अलग अलग मेंशन किया है, हम एक साथ ही बात कर लेते हैं। इन तीनों की रिएक्शन आप एल्कली मेटल के साथ करवा दो, क्वेश्चन क्या बनता है वो सुन लो। अमोनिया गैस अगर एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। एथाइल एल्कोहल एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। सर C2H2 क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अरे क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, बात पल्ले पड़ गई। एथाइन होता है, इसकी रिएक्शन भी आप करवा दो तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, सिंपल। इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बहुत प्यारा स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है, क्या कि लिथियम जो होता है वो C2H2 के साथ क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारे एल्कली मेटल करते हैं लेकिन लिथियम नहीं करता। अगली बात सुनना, देखो सर लिथियम की रिएक्शन अगर अमोनिया गैस के साथ करवाते हो, ध्यान से सुनते जाना भाई, थ्योरी में नहीं लिखाऊंगा इसको, थ्योरी में लिखते ही सिलेबस का कचरा हो जाएगा, टॉपिक का कचरा हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, लिथियम की रिएक्शन अगर अमोनिया गैस के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत खतरनाक बनता है, क्या बनता है बेटा, Li2NH, ध्यान से सुन लेना।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था। NH3 को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलते थे? एमाइन, यानी कि अमोनिया गैस। NH2-1 इसको क्या बोलते थे बेटा? एमाइड। और NH-2 इसको क्या बोलते थे? इमाइड। याद रखना, तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो प्रोडक्ट क्या बनता है? इमाइड बनता है। क्या बनता है? इमाइड बनता है। तो बेटा जहां भी अलग कंडीशन बनती है, जहां भी अलग कंडीशन बनती है वही क्वेश्चन बनता है। सीधी बात है भाई, जो अलग कंडीशन देता है वही क्वेश्चन देता है। आ जाओ अगली बात। अगर सोडियम की रिएक्शन C2H2 के साथ करवाते हो, NCERT में मेंशन है अलग से, क्या बनाता है बेटा? Na2C2 बनाता है। साथ में कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर है सर? ये सारी कहानी किसकी होती है? इनके रिएक्शंस की। फोटो खींचो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, जल्दी फोटो खींचे भाई, फटाक से फोटो खींच दें, और जैसे ही फोटो हो जाए डन बोल देना, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, डन बोलते चलें। डन सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, चलो सर, हो गया। अरे फोटो तो खींचनी है भाई, फोटो खींचो, टाइम काय का लगाने का। ठीक है सर, चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया बेटा, डन, सबका डन है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुनते जाना, जहां डाउट लगे ना भाई बोल देना कि सर इस बात को वापिस बता दो, ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो अपन उस चीज पर बात कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब देखो सर, अब जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि एल्कली मेटल जो है जब वो हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है, सॉरी हैलोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं? आ जाओ, तो अपन अगले पॉइंट पर बात करेंगे रिएक्टिविटी। अगले पॉइंट पर बात करेंगे बेटा रिएक्टिविटी कहां पर, तो आप लोग क्या बोलोगे? टुवर्ड्स हैलोजन एंड हाइड्रोजन। हैलोजन और हाइड्रोजन के साथ एक जैसे ही प्रोडक्ट यहां पर मिलते हैं। क्लियर है सर? अब सुनिएगा, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर हैलोजन और हाइड्रोजन को कंबाइनली क्या मान लेता हूं? X2। X2 का मतलब यहां पर कौन होगा? F2Cl2Br2। F2Cl2Br2I2H2। ये आप लोग क्या करोगे? लेके चलोगे। हेलोजन के साथ साथ हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? हाइड्रोजन को भी लेके चल रहे हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, अगर मेटल की रिएक्शन, कौन सी मेटल? एल्कली मेटल चल रही है। एल्कली मेटल की रिएक्शन अगर तुम X2 के साथ करवाते हो तो तुम्हारे पास बनता है MX, लेकिन वो किस टाइप का होता है बेटा? सॉलिड प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? सॉलिड। जैसे MF, MCl, MBr, MI और MH क्या बनते हैं? सॉलिड प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जब इनका फॉर्मेशन होता है तो आप लोगों की रिलीज्ड एनर्जी होती है फॉर्मेशन की, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही प्यारे तरीके से बात करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर इसको समझना है तो आप लोगों को बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पॉइंट से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले केस नंबर वन पे बच्चों अपन बात करेंगे क्या, तो अपन कह रहे हैं कि सर रिलीज्ड एनर्जी। ध्यान से सुन लेना, रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग किससे बताएंगे? ΔHF फॉर्मेशन। नेगेटिव का साइन बताता है एक्जो को, मैग्नीट्यूड पे बात करनी होती है। ये पूरा बन जाता है रिलीज्ड एनर्जी इन फॉर्मेशन। क्लियर है? फॉर्मेशन में रिलीज्ड एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें क्या करनी है? चर्चा किसके लिए? तो हम बता देते हैं बेटा केस नंबर वन, ध्यान से सुनते जाना भैया। फ्लोराइड, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? फ्लोराइड की। सुन लेना, बहुत ही प्यारे तरीके से बताता हूं। फ्लोराइड कौन कौन से बनेंगे? तो तुम क्या बोलोगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, यही फ्लोराइड बनते हैं। अरे हाँ या ना, यही फ्लोराइड बनते हैं। अरे बनते कि नहीं बनते? बनते हैं। सारे के सारे फ्लोराइड क्या हैं? आपके सामने हैं। ठीक है सर, यहाँ पर अपन बात करेंगे, ध्यान से सुनना। फ्लोराइड के केस में आप लोगों को अगर ΔHF चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग उसकी लैटिस एनर्जी देख लो।
क्या देख लो, लैटिस एनर्जी देख लो। बच्चा मैंने लैटिस एनर्जी पर इतना जोर क्यों दिया, क्यों? क्योंकि सारे कंपाउंड कैसे हैं, आयोनिक कंपाउंड है और यहां पर लैटिस एनर्जी डोमिनेंट होता है। तुम जानते हो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम फ्लोराइड का। तो इसके फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है, निकलती है। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि फ्लोराइड के केस में जो ऑर्डर बनता है बच्चों, वो ऑर्डर कैसा आता है, ऐसा। सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बताओ बच्चों क्या होता है। क्लियर है, फ्लोराइड का ऑर्डर ये। केस नंबर टू पर चलते हैं बच्चों। केस नंबर टू की मैं बात करूं तो आप लोग बात करोगे किसकी, एक्स माइनस की। एक्स माइनस कौन है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर यहां पर वो है क्लोराइड, यहां पर कौन है ब्रोमाइड, यहां पर कौन है आयोडाइड और यहां पर कौन है हाइड्राइड। देखो सर, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हाइड्राइड के केस में बैंड बजना शुरू हो जाता है। यहां पर साइज बढ़ने की वजह से कोवलेंट करेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, तो हम लैटिस एनर्जी नहीं देखेंगे। इस केस में आप लोगों को क्या देखना है, डेल्टा एचएफ जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स होता है। क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स। तुम बोलोगे मास्टर ऐसा कैसा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो ज्यादा एनर्जी लेगा कम निकालेगा, सीधी बात है। तुम बोलोगे लैटिस एनर्जी में क्या था, लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन में एनर्जी निकालता है, ज्यादा निकालेगा ज्यादा डेल्टा एचएफ आएगा, सीधी सी बात है। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लो, आपके पास कौन है, लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम। ये कॉन्सेप्ट है। अपन क्या कह रहे हैं कि भैया टॉप टू बॉटम जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो रिलीज्ड एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और बेटा ऑर्डर कैसा होता जाता है, तो तुम क्या कहते हो कि ऑर्डर यहां पर कुछ ऐसा होता जाता है। क्लियर है, ये ऑर्डर आपको यहां पर मिलता है। दोनों ऑर्डर एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्या है, अलग है। अब तुम बोलोगे मास्टर हम क्या करें, बेटा तुम्हें मैंने डायरेक्ट इसलिए बताया है कि अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट लेता जाऊंगा तो तुम फैल जाओगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके लिए पहले बोन हेबर साइकिल बनाऊं, बोन हेबर साइकिल में मैं तुम्हें रिलेशन समझाऊं कि कौन केटायन बड़ा एनायन छोटा, तो तुम खुद क्या हो जाओगे, फैल जाओगे कि मास्टर ये क्या कर दिया तूने। क्लियर, बात पल्ले पड़ गई। तो नीट के स्टूडेंट है तो उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसको आराम से याद रख सकते हैं। नोट कीजिएगा सर, फोटो खींचो आगे लेके चलता हूं। फोटो खींचो, बस खींचते जाओ फोटो। दिक्कत लगे तो बेटू बता देना, कहीं कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आए तो बता देना, कॉन्सेप्ट समझने में भी दिक्कत आ जाए, अगर रत्ती भर की दिक्कत आए तो बता देना कि सर एक बार वापस बता दो। डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सबने फोटो खींच लिया होगा, ठीक है सर। फोटो खींचने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। सुनते जाना भाई, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अब देखो सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जो हमारे पास आता है, अब हमारे पास जो बेटा कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब जो रिएक्शन आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और बहुत बार हमसे उस पर काम करवाता है, ठीक है सर। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है, कैसे उस पर हमें काम करना होता है, उसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग ध्यान से सुनना, बात को समझना कि क्या है। देखना, अपन बात करते हैं रिएक्शन की, अपन बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन किसके साथ, तो अपन बात करेंगे बेटा लिक्विड अमोनिया के साथ। रिएक्शन किसके साथ बेटा, लिक्विड अमोनिया के साथ। ध्यान से सुनना, आप लोग क्या कहते हो कि अमोनिया का फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस। अमोनिया का फिजिकल स्टेट क्या होता है बच्चों, गैस होता है। आप लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, लिक्विड में। यार बच्चों एक बात बताओ, अपन क्या कहते हैं कि अगर किसी गैस को लिक्विड में बदला जाए, गैस है लिक्विड में ले आओ, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होगी। और तुम एक बात जानते हो कि अगर मेटल है और मेटल की रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात पल्ले पड़ गई, आराम से समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, देखो सर यहां पर दो चीजें लेके चलते हैं। एक तो होता है H2O लिक्विड, ठीक है।
दूसरा आपके पास कौन है, अमोनिया लिक्विड। तुम एक बात जानते हो क्या कि H2O जो है वो एक विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। सर NH3 लिक्विड में भी क्या होगा, एक विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा, क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर H2O जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है H+ और OH- की फॉर्म में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं बता दूं कितना है बेटा, K1। इसी टाइप से ये सॉल्वेंट भी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रह सकता है, बट ये बनाता है NH+ और NH2-1। ये H+ प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये प्रोटॉन और एमाइड आयन देता है, ये दोनों में बात है। यहां पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन क्या ले लेते हैं, K2। ये रूम टेम्परेचर पर है, ये वेरी लो टेम्परेचर पर है, और तुम जानोगे कि सर यहां पर K1 का जो वैल्यू होता है वो K2 से क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है। बात समझ में आ गई, क्या होता है, K1 का वैल्यू जो होता है K2 से बड़ा होता है। मतलब यहां पर H+ जो मिलता है वो इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। तभी तो तुम देखते हो एल्कली मेटल वाटर में डालते ही हाइड्रोजन गैस निकाल के एक्सप्लोड कर देती है। एल्कली मेटल वाटर में डालते ही हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल होती है, और वहां पर सेकंड्स में क्या होता है तो अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। बट अपन जब इसमें डालते हैं H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, यहां पर दुनिया बदल जाती है। कैसे बदलती है, कैसे होता है, उस पर अपन बात करेंगे। आ जाओ ध्यान से सुनना, बात को समझना। यहां पर हम लोग है ना दो टाइप के सॉल्यूशन लेके चलेंगे। आ जाओ भैया, पहला सॉल्यूशन आप कैसा लोगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सुन लेना भाई, पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे समझते जाना। बच्चा अक्सर अमोनिया वाले केस में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। दूसरा सॉल्यूशन बच्चों हम लोग क्या लेके चलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। पहला डाइल्यूट है, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ध्यान से समझना बात को क्या है। यहां पर अपन कहते हैं सॉल्वेंट जो होता है, विलायक जो होता है वो कौन होता है, अमोनिया, और यहां भी कौन होता है, अमोनिया। दोनों केस में विलायक कौन है, अमोनिया। बट अपन कह रहे हैं सॉल्यूट विले जो है वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, मेटल। ध्यान से सुनना भाई, और यहां भी क्या होता है, मेटल, ठीक है। दोनों जगह सेम चीज है, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन में मेटल जो होता है वो क्या होता है, लेस मेटल, थोड़ा मेटल डाला जाता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड जहां भी वर्ड आएगा वहां पर मेटल जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर मेटल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये कहानी होती है बेटा इनके सॉल्यूशन के नाम की। ये सॉल्यूशन का नाम जहां भी आएगा आप ऐसी टर्मिनोलॉजी को क्या करते जाओगे, यूज करते जाओगे, क्लियर सर। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना कि क्या होगा। देखो सर, आपकी जो मेटल है, मेटल होती है सॉलिड स्टेट में, आपने इसको डाला बेटा किस में, लिक्विड अमोनिया में। ध्यान से सुन लेना, लिक्विड अमोनिया में डाला, तो अपन क्या कह रहे हैं, कि ये जो सॉल्यूशन लिया जाएगा ये कैसा लिया जाएगा, डाइल्यूट। कैसा, डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब बच्चों क्या समझोगे, मेटल क्या है कम है। तो अपन यहां पर लिखते हुए चलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सुनते जाना, बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, मेटल क्या है, कम है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे तो तुम एक बात जानते हो, मेटल एल्कली मेटल जो होती है वो विलायक में, सॉल्वेंट में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो बेटा यहां पर आपके पास जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, M+, और साथ में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, M+ बनता है और साथ में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चे के दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं, उनका जवाब अपने आप ही निकल के आता है। बच्चे के दिमाग में सवाल आता है, इलेक्ट्रॉन निकला तो ये H+ उस इलेक्ट्रॉन को ले लेना चाहिए और हाइड्रोजन गैस निकल जानी चाहिए। बिल्कुल लाजमी सवाल है, आना चाहिए दिमाग में। लेकिन
एक बात जो दो मिनट पहले कही गई थी उस पर वापिस आता हूं। K2 का वैल्यू बहुत कम होता है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकल नहीं पाता है। जब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता तो क्या होता है, तो सुनो, नहीं निकलने की वजह से क्या क्या चेंजेज आते हैं वो सुनते जाओ। देखो, ये कम मिलेगा सॉल्यूशन में, अमोनिया ज्यादा मिलेगा ना भाई। तो ये जो तेरा M+ होता है, पहला बात ध्यान से सुनना, ये जो M+ होता है केटायन है, अमोनिया क्या होता है, तो तुम क्या कहते हो, अमोनिया बटा एक डाइपोल होता है। अरे अमोनिया क्या होता है, एक डाइपोल होता है। तो ये क्या करेगा, अमोनिया के इस नेगेटिव एंड को खींचेगा ना, तो यहां पर बच्चा क्या बनेगा, तो तुम क्या बोलोगे, अमोनिया जो है वो M+ को क्या कर लेती है, इस टाइप से सराउंड कर लेती है। अरे याद आ रहा होगा, जब तुम हाइड्रेशन पढ़ते हो जलयोजन पढ़ते हो, तो तुम क्या कहते हो, केटायन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जल के अणु वाटर के मॉलिक्यूल केटायन के साथ जुड़ जाते हैं। उसको नाम देते क्या है, तो आप लोग कहते हो उसको नाम दिया जाता है हाइड्रेटेड आयन, और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है हाइड्रेशन, और एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बस यहां पर मामला चेंज है, अब कौन है सॉल्वेंट, कौन है अमोनिया। तो ये हो गया बेटा इसका सॉल्वेशन। तो अब जो है केटायन का नया साइज जो है वो क्या बन जाता है बेटा, ये केटायन का नया साइज क्या बन जाता है, ये बात पल्ले पड़ गई, आसान है। चलो अब देखो सर, इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही काम करता है। ये इस पॉजिटिव एंड को खींचेगा तो तुम्हारे पास दिखने में ऐसा आएगा। तुम देख रहे होंगे कि ये मैं तीन लाइन बना रहा हूं, इधर ये नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। ऐसा केस आप लोगों के पास बन जाता है। तो अपन क्या कहते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, मेटल को पानी में डाला तो तुम क्या लिखते हो, M+ एक्वस लिखते हो ना। अपन क्या बोलेंगे, ये जो M+ बना है अमोनिया को ले डूबा, तो इसको बोला जाएगा अमोनिया टेड। क्लियर है। और ये जो बनेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी अमोनिया से घिरा हुआ है, तो इसको भी क्या बोल देंगे, अमोनिया टेड। तो यहां पर आपके पास बच्चों जो बनता है वो क्या होता है, अमोनिया टेड केटायन और अमोनिया टेड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, इस टाइप से ट्रैप हो जाता है, केटायन इस टाइप से ट्रैप हो जाता है। बात पल्ले पड़ गई, आसान चीज है, एकदम से सिंपल वे में चले हैं। अब सुनो सर, सारा खेल पानी को हटाकर हमने क्या डाल दिया, बस अमोनिया, तो चीजें बदल गई, सिचुएशन बदल गई, टेम्परेचर लो है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकल सकता, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम है, अमोनिया का अमाउंट ज्यादा है, H+ का अमाउंट कम है, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्लियर, सिंपल बात, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब इस पर क्वेश्चन बनना शुरू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर क्वेश्चन बनना शुरू होता है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सुनते जाओ। पहला क्वेश्चन वॉल्यूम, सर पूछता है कि वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बोल देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका, मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, तो अपन बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस अमोनिया। दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा या मेटल प्लस अमोनिया का, तो तुम क्या बोलोगे, मेटल प्लस अमोनिया, ये सॉलिड ये लिक्विड। यहां पर देखो रेड मार्कर किधर गया, ये रहा, यहां पर ध्यान से सुनना, ये देखो बीच में क्या बन जाता है बेटा, स्पेस बन जाता है। यहां पर भी क्या बन जाता है, स्पेस बनने की वजह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो आप लोगों के रिएक्टेंट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या आता है, बहुत ज्यादा आता है।
रीजन क्या है कि सर यहां पर अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनियाटेड कैटायन जो होता है, अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनियाटेड कैटायन, और इसको क्या बोलते हैं अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या करता है स्पेस बनने की वजह से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसा केस आपको मिलता है। क्लियर है? अब सुनो, ये जो सॉल्यूशन बनता है ये सॉल्यूशन कई टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, ये सॉल्यूशन कई टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। तो आ जाओ भैया, प्रॉपर्टीज ध्यान से सुन लेना भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, तो सुनते जाना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी देगा। प्रॉपर्टी नंबर वन, केटायन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तुम क्या कहते हो कि क्या यहां पर सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो अपन क्या बोलते हैं, पहली बात क्या, कंडक्टिविटी क्या करता है, शो करता है, चालकता प्रदर्शित करता है। कंडक्टिविटी शो करने का रीजन क्या है, तो अपन क्या कहते हैं किसके कारण, तो तुम क्या बोल दोगे, ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड एम प्लस, केटायन और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण सॉल्यूशन कैसा होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी शो करता है। मेरे हिसाब से बात पल्ले पड़ गई होगी। चलो नंबर दो, जिस सॉल्यूशन में या जिस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक, तो बच्चों अपन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो अपन क्या बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। किसके कारण है, अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर? नंबर दो के बाद नंबर तीन, देखो सर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो ये वाइब्रेशंस करता है, तो एक्साइटेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से कलर देता है। तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा आता है, तो अपन कहते हैं कि ब्लू कलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर कैसा आता है, ब्लू। ये भी किसके कारण होता है, अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। नंबर चार, चौथे की बात करता हूं, तुम जानते हो जहां इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी दूसरे के साथ जुड़ सकता है, उसका रिडक्शन कर सकता है, बट अपन कहते हैं हर किसी का नहीं करेगा, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। तो अपन क्या कहते हैं सर, यहां पर ये क्या करता है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तीनों प्रॉपर्टी बच्चा जो तू देख रहा है ये किसके कारण है, तो अपन क्या बोलते हैं, ड्यू टू अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन। ये तीनों प्रॉपर्टी अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी दोनों के कारण होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, तो मैं यहां पर क्लियर मार्क कर देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, इसको किसी और प्रॉपर्टी में मिक्स मत करना। क्लियर है सर? ये होता है लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन का खेल, अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा बाकी है, आधा मतलब थोड़ा बहुत बाकी है। क्लियर? फोटो खींचो कोई दिक्कत हो तो बताओ। खींचो फोटो बेटा जल्दी और बताओ मेरे को कि क्या आपने निपटा दिया गया। हाँ भाई जल्दी फोटो खींचो, देखें जल्दी से फोटो खींचो। हो गया भाई फोटो। चलो ठीक है, आपने फोटो खींच दिया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बच्चों के कुछ क्या बोला, कविता ने मैसेज किया है, सर क्या ये कभी भी H2 नहीं देता, तीन और चार ऑप्शन रिपीट। सर तीन और चार ऑप्शन कौन सा बेटा? हाँ बेटा कविता, आप कह रहे हो कि क्या ये हाइड्रोजन कभी भी नहीं देता, बिल्कुल देता है बेटा, अभी इससे हाइड्रोजन दिलवाएंगे, देता नहीं है, दिलवानी पड़ती है बेटा हाइड्रोजन, ऐसे नहीं देगा ये, है ना।
अभी दिलवाते हैं हाइड्रोजन, आप टेंशन ना लें, हाइड्रोजन निकालेगा ये। प्रज्ञा बेटा तीन और चार ऑप्शन रिपीट सर, मतलब क्या समझा नहीं मैं? प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा, तीन और चार रिपीट मतलब ब्लू कलर सॉल्यूशन और मतलब समझा नहीं रिपीट। अच्छा वापिस बताऊंगा प्रज्ञा बेटू, वापिस बताऊंगा तीन और चार। अच्छा अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गया सर लिखा है आपने, कोई बात नहीं है ना। हाँ चलो अब देखो सर, शाहरुख ने क्या लिखा है, सी एन में देगा क्या ये एच टू सर? बेटा सी एन कॉन्सेंट्रेटेड, अबे यार तुम्हें शॉर्ट फॉर्म ऐसे मत लिखा करो बे, समझ नहीं आता, मत मन से बनानी पड़ती है। चलो अभी देखते हैं बेटा किसमें देगा किसमें नहीं देगा। प्रज्ञा ने बोला है कि सर तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी वापिस बता दो। चलो सर अभी बता देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ब्लू कलर सॉल्यूशन अपन क्या कहते हैं, अपन ने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है क्या कि बेटा कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कलर कब देता है, कोई भी कंपाउंड या सॉल्यूशन कलर कब देता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो ट्रांजिशन करें, यानी कि या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या LMCT MMCT MLCT हो या DD ट्रांजिशन वगैरह FF ट्रांजिशन वगैरह कुछ हो। अपन यहां पर क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ये स्पेस प्रेजेंट है, इसको एनर्जी मिलती है, तो ये यहां पर क्या करता है बेटा वाइब्रेशंस करता है, यहां पर ये वाइब्रेशंस करता है, तो वाइब्रेशन करने का मतलब क्या है, ये एक्साइटेशन कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, और जब बेटा ट्रांजिशन होता है तो बिना एनर्जी के नहीं होता, बिना फोर्स के नहीं होता, जब ट्रांजिशन होता है तो वो क्या करता है, अगर वो विजिबल रीजन में आ जाता है तो वहां पर कलर शो हो जाता है बिटिया। क्या तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया प्रज्ञा बेटू, तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया, जल्दी बोल बिटिया, बेटू जल्दी बोलो, क्या तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया, जल्दी बोलो यस और नो। यस, चौथा प्रॉपर्टी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सिलेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भाड़ में जाए, है ना, चयनात्मक अपचायक, है ना, ये बेटा हर किसी को रिड्यूस नहीं करता है, हर किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कुछ चुनिंदा कुछ सिलेक्टिव कंपाउंड होते हैं, कुछ सिलेक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनको क्या कर पाता है, ये रिड्यूस कर पाता है, क्लियर है, ये इसके एनर्जी से रिलेटेड होता है फंडा पूरा, कि एनर्जी इसकी बहुत कम होती है, कम एनर्जी पर ये पड़े होते हैं बेचारे, तो हर किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाते, क्लियर है, इसलिए क्या करते हैं बेटा, इसको बोला जाता है सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिव का मतलब कुछ फिक्स होता है, कुछ फिक्स लिमिटिंग एजेंट है, कुछ लिमिटिंग कंपाउंड है जिनको ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है बिटिया, क्लियर। बताओ देखे क्या बात पल्ले पड़ गई, क्या जल्दी बोलो बिटू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यस और नो, यस ओके बेटा। चलो सर, हाँ भाई अब बच्चों की बात आ रही थी कि क्या सर ये हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल बेटा इसको हाइड्रोजन अभी दिलवा देते हैं, इसको हाइड्रोजन अभी दिलवा देते हैं। लो सर हाइड्रोजन ये अपने मन से नहीं देगा, अपने मन से नहीं देगा, अपन इसको दिलवाएंगे, जबरदस्ती हाइड्रोजन दिलवाएंगे। तो चलिए सर प्रॉपर्टीज को हटा देते हैं, प्रॉपर्टीज को हटा देते हैं, और यहीं पर आपको समझा देता हूं, वॉल्यूम का खेल भी खत्म, अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन का खेल भी खत्म, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले पॉइंट को रख लेता हूं। ये लो सर अब यहां पर बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई, पानी पी लेते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। चलो हाँ भाई आ जाओ, अब ध्यान से सुनना क्या होता है, दो कंडीशन लेके चलेंगे। पहला कंडीशन, आप इस सॉल्यूशन को गर्म कर दो, आप इस सॉल्यूशन को क्या कर दो, गर्म कर दो बेटा। सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो यहां पर सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपके पास क्या मिल जाता है, ध्यान से सुनना, आपके पास क्या होता है, जैसे ही सॉल्यूशन गर्म होता है तो अमोनियाटेड कैटायन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में, किसमें, एमाइड में, ठीक है। साथ में आप लोगों का अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, H+ मिलता है तो वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकाल देता है, क्लियर है। अब देखो सर यहां पर बात करते हैं, कि क्या क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन गैस निकला किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन क्या क्या काम करता था,
इलेक्ट्रॉन क्या क्या काम करता था बिटुआ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का, पैरामैग्नेटिज्म का और कलर का। इलेक्ट्रॉन लुट गया तो सोल्यूशन कैसा बन गया, कलरलेस। सोल्यूशन कैसा बन गया, कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है, कलरलेस। अब पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। बोलो सर, क्लियर है, सिंपल है, आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम, या तो इसको गर्म कर दो या फिर आप लोग क्या कर दो, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक इंप्यूरिटी इसमें डाल दो, डी ब्लॉक की इंप्यूरिटीज डाल दो, तो ये कर्मकांड स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, चलो दूसरी बात, इस सॉल्यूशन में आप क्या कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड बना दो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दो। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मेटल क्या कर दो, ज्यादा कर दो, मोर मेटल। बेटा मेटल ज्यादा होगा, ध्यान से सुनते जाना, अगर मेटल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अब सिंगल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, युग्म बना लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन होता जाएगा पेयर्ड। अब मेटल ज्यादा हो जाएगा तो मेटल भी क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनाकर वहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, ब्रोंज कलर हो जाता है, ब्रोंज कलर आपके पास आ जाता है। सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर अप होने की वजह से पैरामैग्नेटिक से कैसा हो जाता है, डाया मैग्नेटिक हो जाता है। क्लियर सर, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये होता है आप लोगों का कौन सा, डी ब्लॉक या गर्म करने पर। फोटो खींचो कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है सर, फोटो खींचो और कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी करें सर, डन सर। सर डी ब्लॉक इंप्यूरिटीज का कैसे इफेक्ट आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चलो भाई, बिटिया ने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवानी। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, फोटो खींच लिया ना सबने। देखो बेटा, जैसे ही डी ब्लॉक का इंप्यूरिटी डालेंगे, सुनते जाना, समझने के लिए है, बाकी तुमसे कोई नहीं पूछेगा। देखो बताता हूं बेटा, डी ब्लॉक डालोगे, सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, एम प्लस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, एक तो केटायन है, एक इलेक्ट्रॉन है, साथ में कौन है, NH2-1, और साथ में सॉल्यूशन में कौन है बेटू, NH3, ठीक है। डी ब्लॉक, ध्यान से सुनना बेटा, डी ब्लॉक ब्लू से लिखते चल रहा हूं, समझ लेना, डी ब्लॉक जो होता है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। एक है NH2, एक है NH3, दोनों में से क्या करेगा, NH2 जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब इसको अपना लोन पेयर देगा, वो अपना लोन पेयर इसको देगा, ये लोन पेयर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना के ना अलग हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में से ये हटता जाएगा, तो रिएक्शन क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें आप क्या कहते हो कि अगर प्रोडक्ट को हटा दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एमाइड यहां से हट जाता है, एमाइड के हटने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा H प्लस। अब तुम बोलोगे मास्टर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा हुआ है, H प्लस कहां से आएगा, अरे H प्लस यहां से आएगा, NH3 टूटा था, NH2 माइनस और H प्लस दिया, इसको लोग लूट के ले गए डी ब्लॉक वाले, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले से बढ़ा हुआ है, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन की फॉर्म में आएगा, ये हाइड्रोजन नेसेंट होता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सॉल्यूशन में NH2-1 बढ़ता जाएगा। सर यहां पर डी ब्लॉक डालने की वजह से ऐसा इफेक्ट आया, अब NH2-1 जो है इसको लूट के खत्म हो गया, अब जो बचेगा वो क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करके एमाइड बना देगा। बोल बेटा शिवानी, बात क्लियर हो गई क्या, शिवानी बिटिया बात क्लियर हो गई? अरे भाई, इतना बड़ा मैसेज किसने किया है, एक मिनट।
सर एनसीईआरटी में गर्म करने वाले प्रोसेस की जगह पर टी टाइम के लिए छोड़ना बताया है जिससे अपने आप हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये कैसे होता है? बेटा उसमें ना उसके आगे और पीछे जो लिखी हुई बातें हैं ना, एक बार उनको ढंग से रीड करना, उनको ढंग से रीड करना, तो आपको ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, सारा आइडिया हो जाएगा। गर्म करने का मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म नहीं होता है बिटिया, उसके आगे पीछे जो लिखा हुआ ना उन पॉइंट्स को भी पढ़ना, उन पॉइंट्स को भी पढ़ना, तो आपको जो है वो उस बात की सारी क्लियरिफिकेशन आ जाएगी कि सॉल्यूशन को ऑन स्टैंडिंग रखने पर क्या होता है, सॉल्यूशन को पड़ा रखने पर क्या होता है। क्लियर? फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना। कविता, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो NH3 से होती है क्या? अरे बेटा कविता बेटी, एक बात बता कि NH3 जो है, ध्यान से सुनना बिटिया, NH3 जो है वो क्या देता है? NH2-1 और H+। क्लियर है? ये H+ कहां से आया है? NH3 से आया है। इतना क्लियर है? एमाइड कहां से आया है? NH3 से आया है। क्लियर? अब देखना बेटी, अपन क्या कह रहे हैं कि ये H+ ही किस में जा रहा है? हाइड्रोजन गैस में जा रहा है। अब ये बताओ कि ये हाइड्रोजन गैस कहां से निकली है? सॉल्यूट ने दी है या सॉल्वेंट ने दी है? सॉल्वेंट ने दी है, विलायक ने दी है बिटिया। बात क्लियर होगी? हाँ बेटा बोल, बोलो बेटी जल्दी बोलो, बेटा जल्दी बोलो। कविता क्लियर? चलो ठीक है। हाँ भाई सबको बात क्लियर है? चलो चले आगे। चलो और कोई डाउट हो तो बता देना भाई, अभी भी है ना, कोई समस्या हो तो बता देना कि हाँ भाई इस पॉइंट में हमें दिक्कत है, इस पॉइंट में हमें दिक्कत है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखो सर, केमिकल रिएक्टिविटी की बात खत्म हो गई है, केमिकल रिएक्टिविटी की बात खत्म हो गई है, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं कि सर अब हम लोग कहां पर चलेंगे? अब हम बात करेंगे किसकी? कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होता है। कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि सर आप लोगों के पास एस ब्लॉक में कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो सोडियम पोटेशियम के कंपाउंड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट, इनके प्रिपरेशन मेथड हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, उनके बारे में आपको बात करनी होती है, मतलब इनके यूजेज क्या होते हैं। तो यूजेज पे कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं होता, वो थियोरेटिकल पोर्शन है, वो हम सीधा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से मैथड होते हैं, कौन से मैथड से बना सकते हो, कौन से मैथड से नहीं बनता, इन सब चीज़ों पर हम 1x1 क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्लियर है? चलिएगा। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो सर हेडिंग, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नेक्स्ट हेडिंग कौन सा है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर कंपाउंड्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं किसके? एल्कली मेटल के। तो आ जाओ भैया, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल, सुनते जाना भाई, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल के इंपॉर्टेंट कंपाउंड तेरे सिलेबस में कौन कौन से हैं बेटे? आजा, सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है और सल्फेट है। अब सुन लो, क्लोराइड पर इसी साल क्वेश्चन आया है, इसी साल क्वेश्चन नीट में आया है, किस पर? क्लोराइड पर। क्या क्वेश्चन आया है? जैसे ही क्लोराइड आएगा तो बता दूंगा कि सर ये वाला क्वेश्चन इस साल नीट में पूछा गया था, ठीक है सर। तो ये कहानी किसकी होती है, तो आप लोग क्या कहते हो इसकी? चलो सर अब हम लोग 1x1 बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें जिसकी बात करनी है, जिसका प्रिपरेशन करना है, वो कौन है बेटा? ऑक्साइड। किसका करना है? ऑक्साइड का। ऑक्साइड क्या होता है? O-2, ठीक है। अब आ जाओ O-2 की बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना कि कौन कैसे रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देता है। ध्यान से सुनना, सोडियम, अगर सोडियम की रिएक्शन एयर के साथ करवाई जाती है, ध्यान से सुन लो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में दो ही है, सोडियम और पोटेशियम, तुम और की बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन एयर के साथ करवाते हैं बेटा, एयर के साथ करवाते हैं, तो आपको याद होगा सोडियम एयर के साथ मेजर प्रोडक्ट कौन सा देता है बेटा?
परऑक्साइड, क्या देता है परऑक्साइड, हमें क्या चाहिए, क्या परऑक्साइड चाहिए? नहीं सर, हमने हेडिंग ही ऑक्साइड लगाया है, परऑक्साइड तो बाद की बात है, तो हेडिंग ये लगाया है, तो आप लोग फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सोडियम के साथ। अगर सोडियम के साथ फिर रिएक्शन करवा देते हो तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सोडियम के ऑक्साइड में। बोलो भैया, पहला प्रिपरेशन मेथड सबको समझ में आ गया, आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सोडियम के साथ। सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है और सोडियम का ऑक्साइड जो है वो आपको मिल जाता है, सोडियम का ऑक्साइड जो है वो आपको मिल जाता है। क्लियर है सर, आसान है, चलो अगली रिएक्शन। सोडियम की रिएक्शन आप एयर के साथ करवा दो, सोडियम की रिएक्शन एयर के साथ करवा दो, लेकिन ध्यान से सुन लेना, सोडियम को क्या ले लो एक्सिस में, सोडियम को क्या ले लो एक्सिस में, सीधा रिएक्शन दे देता है, सोडियम एक्सिस में आ गया, सोडियम एक्सिस में आ गया तो प्रोडक्ट बच्चा क्या आ जाता है, सोडियम का ऑक्साइड, क्या आ जाता है ऑक्साइड। क्लियर, पोटेशियम का और बनाना है, पोटेशियम का ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, तो पोटेशियम की रिएक्शन आप एयर के साथ करवा दो या ऑक्सीजन के साथ करवा दो, एयर को कैसा रखना है, लिमिटेड रखना है, चीना चीना देना है, तो ये क्या बना देता है पोटेशियम का ऑक्साइड। ये होता है ऑक्साइड का प्रिपरेशन, खींचो फोटो, सिंपल, ये होता है ऑक्साइड का प्रिपरेशन, खींचो फोटो जल्दी से फोटो खींचो भैया। जल्दी से फोटो खींच लो और फोटो खींच के डन 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 बोल के नक्की कर दो काम को। हो गया भाई, हो गया, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पर चलें, चलो भाई ठीक है, हाँ डन सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डन डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। देखो सर, ये तो रिएक्शन हो गई कब, जब आप लोग क्या करवा रहे हो, लिमिटेड ऑक्सीजन दे रहे हो या लिमिटेड एयर दे रहे हो वगैरह वगैरह जब कर रहे हो, तो ये कहानी आपके सामने आ जाती है। अब देखो सर, अब देखो ऑक्साइड निर्माण की अगली बात करते हैं। ऑक्साइड ही चल रहा है आपके पास, है ना यार, एक तो होता है पर ऑक्साइड, क्या होता है पर ऑक्साइड, क्लियर है, दूसरा बेटा क्या होता है सुपर ऑक्साइड, ये दो होते हैं ना, पहला जो है इसको क्या बोला जाता है पर ऑक्साइड, ये वाला जो बेटा है इसको क्या बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को अगर आप लोग हीट करते हो, पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड को आप लोग हीट करते हो, गर्म करते हो, ठीक है, तो गर्म करने पर बेटा ये क्या दे देते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं O माइनस टू, यानी कि ऑक्साइड दे देते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस क्या कर देते हैं निकाल देते हैं। मेरे हिसाब से बात बहुत सिंपल है, आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली बात सुनना। अपन क्या कहते हैं कि जैसे मान लो आपके पास क्या है KO2, KO2 बच्चों क्या होता है पोटेशियम पर ऑक्साइड या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो K प्लस और O2 माइनस वन, तो बच्चा ये क्या है, तो तू क्या बोलेगा सुपर ऑक्साइड है सर, सुपर ऑक्साइड है, तो तू इसको गर्म कर दे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, नॉर्मली टेम्परेचर देते ही मामला बिगड़ जाता है, क्या बनाता है ऑक्साइड प्लस O2, तो ये क्या बना देता है पोटेशियम का ऑक्साइड और साथ में क्या दे देता है ऑक्सीजन गैस, गैस निकल जाती है और अपन क्या कहते हैं कि ये क्या बन जाता है आपके पास, तो आपने कहा पोटेशियम का ऑक्साइड। तो सोडियम का ऑक्साइड बनाने के 2-3 मेथड देख लिए, पोटेशियम के ऑक्साइड बनाने के 2-3 मेथड हमने देख लिए, ये क्या किए जाते हैं आपके ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है, क्लियर है, ऑक्साइड का खेल खत्म, ऑक्साइड का खेल खत्म, क्लियर है सर, अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आता है कि मास्टर क्या परोक्साइड की बात करेगा, क्या मास्टर परोक्साइड की बात नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सोडियम, ध्यान से सुनना बेटा, सोडियम जो होता है
सोडियम का परोक्साइड बनाने के लिए सोडियम की रिएक्शन एयर से करवा दो, बन गया परोक्साइड। पोटेशियम का परोक्साइड बनाना है तो पोटेशियम की रिएक्शन एयर के साथ करवा दो, तो क्या बनता है, तो अपन क्या कहते हैं पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। मेजर प्रोडक्ट क्या देता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट क्या देता है सुपर ऑक्साइड, और माइनर प्रोडक्ट क्या देता है परोक्साइड। माइनर प्रोडक्ट आपका परोक्साइड बन जाता है, बस इतना सा परोक्साइड का खेल है, बाकी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, उसके बाद ऑक्साइड हो गया, परोक्साइड हो गया, तीसरा ध्यान से सुनना बेटा कौन सा है, हाइड्रोक्साइड। तीसरा कौन सा है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस। OH माइनस कैसे बनाया जाता है, यानी कि NaOH और KOH कैसे बनाए जाते हैं, NaOH और KOH कैसे बनाए जाते हैं, उसकी बात भी सुन लो, उसकी बात भी सुन लो, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। परऑक्साइड सॉरी हाइड्रोक्साइड बनाना है ना, ये कौन है रे, लिथियम का ऑक्साइड। सुनते जाना, देखो कितने आसान तरीके से बनता है, ऑक्साइड है ना लिथियम का है, बट लिथियम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बात करनी है सोडियम और पोटेशियम की, लिथियम की क्यों बता रहा हूं सुनना। लिथियम क्या है, ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, आप इसको पानी में डाल दो तो ये क्या बना देता है बेटा, लिथियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, लिथियम का हाइड्रोक्साइड। आपको क्या चाहिए एक्चुअल में बताओ, हाइड्रोक्साइड ही तो चाहिए ना, हाइड्रोक्साइड चाहिए तो क्या आपका हाइड्रोक्साइड बन गया, गया बिल्कुल बन गया सर, कोई दिक्कत आएगी, नहीं आई। ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो क्या बनता है बच्चा, हाइड्रोक्साइड। अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड के बाद में दूसरा नाम क्या आता है, परोक्साइड। परोक्साइड ले ले, ये ले, ये क्या है परोक्साइड है ना, ये ले तेरा परोक्साइड, देखते जाना देखते जाना देखते जाना, परोक्साइड आया ना। परोक्साइड को अगर पानी में डालता है, पानी में डालता है, कुछ नहीं होता, सिंपल प्रोडक्ट बनता है, सिंपल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है आ जा, पहला प्रोडक्ट ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि क्या प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये कौन है आपका, H2O पानी। ठीक है, हो गया। अब देखो, इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, प्लस माइनस को उड़ा दो, प्लस माइनस को उड़ा दो, तुम बोलोगे इसको कैसे उड़ाएं, तो अल्ले ए HOH आ गया, ये लो आ गया, क्या बना बेटा NaOH, NaOH और साथ में क्या बना H2O2, हाइड्रोक्साइड बन गया, गया। तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर परोक्साइड को पानी में डालते हैं, परोक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O2, आसान है, आसान है। चलो अगली बात करते हैं, देखो सर KO2 ये कौन है, सुपर ऑक्साइड। सुनते जाना, सुनते जाना, सुपर ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे, सुपर ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे, तीन प्रोडक्ट बनते हैं, क्या, पहला हाइड्रोक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन परोक्साइड, और तीसरा ऑक्सीजन गैस। तो अब आ जाओ, ऑक्साइड को वाटर में डालोगे सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिलेगा, परोक्साइड को वाटर में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनेगा, सर अगर सुपर ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड H2O2 और ऑक्सीजन गैस बनेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे प्रोडक्ट का नंबर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात पल्ले पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई, हाइड्रोक्साइड चल रहा है, हाइड्रोक्साइड चल रहा है, हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन मैथड नंबर 1, क्लियर है, आसान है, सिंपल है। चलो आ जाओ, तुम्हें किसका चाहिए था, सोडियम का और पोटेशियम का, दोनों का बना दिया है सीधे मेथड से। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड नंबर 2, ध्यान से सुनना भाई, आपको याद है मैंने आपको मेटलर्जी में पढ़ाया था डाउस प्रोसेस, उसके बाद मैंने आपको ना प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस में भी पढ़ाया था, याद आया ना, तो अपन उसकी बात करेंगे। अपन बात करेंगे सर किसकी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। धत्ते देखिए, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो तुम क्या बोलते हो, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl aqueous, NaCl aqueous, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, याद आया। अब सुन लो, एनोड पर क्या देता है, एनोड पर क्लोरीन देता है बेटा, कैथोड पर क्या देता है, याद आ रहा होगा, पढ़ा चुका हूं दो बार, हाइड्रोजन देता है, बट सॉल्यूशन में क्या देता है, सॉल्यूशन में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, NaOH, सॉल्यूशन में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, NaOH, याद आ गया, तो अपन क्या कहते हैं कि NaOH बन जाता है, ये क्या है, उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, तीसरी बार आ रहा है पिछले 10 दिन में, तीसरी बार आ रहा है, बात पल्ले पड़ गई, फोटो खींचो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फोटो खींचो, कोई दिक्कत हो तो बताओ,
जल्दी फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो, जल्दी करो बिटुआ। समझ में आ गया ना, आसान चीजें आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट एनसीईआरटी चल रहे हैं भाई, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत लगे थोड़ी बहुत भी बता देना मेरे को। डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन चल रहा है, हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में अगला पॉइंट बताता हूं, हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में अगला पॉइंट बताता हूं। हाइड्रोक्साइड के दो तरीके तो बता दिए हैं, तीसरा तरीका और समझाता हूं, सुन लेना भाई। तीसरा तरीका और समझा देता हूं, सुन लेना। तीसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने तो सारे हैं। तीसरा जो होता है, एक दो तीन, कासनर केलनर सेल क्या है, कासनर केलनर सेल, क्लियर है। कासनर केलनर सेल में जो क्वेश्चन बनता है क्या है वो सुनना। अपन क्या कहते हैं कि इसमें भी क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, वही ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस, NaCl एक्वस, क्लियर है। लेकिन लेकिन यहां पर कैथोड जो काम में लिया जाता है बच्चों, किसका होता है, मर्क्यूरी। कैथोड जो काम में लिया जाता है वो किसका होता है, मर्क्यूरी का, क्लियर है। ये याद रखना, कैथोड किसका काम में आता है, मर्क्यूरी का। तुम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर कैथोड चेंज कर दिया जाता है, सॉरी इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया जाता है, तो बनने वाले प्रोडक्ट वो चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल, विसर्जन विभव क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्लियर। तो अपन क्या कहते हैं कि मेरे को चाहिए भैया सोडियम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं क्या करता हूं कैथोड ले लेता हूं, किसका, Hg का। Hg कैथोड की प्रेजेंस में, तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आ रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्या कि कैथोड मर्क्यूरी ले लो, कैथोड क्या ले लो, मर्क्यूरी का ले लो, तो वहां पर H+ डिस्चार्ज होता है या Na+, तो अपन क्या कहते हैं Na+, क्लियर है। Na+ डिस्चार्ज हो जाता है, Na+ डिस्चार्ज हो जाता है, तो आ जाओ भैया क्या बनने वाला है, आ जाओ अपन क्या कहते हैं, एनोड पर आज भी, एनोड पर आज भी क्लोरीन गैस निकलती है, आज भी क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। वही ट्रेडिशनल एनोड होता है कैथोड, कैथोड पर सोडियम डिस्चार्ज होता है। और तुम जानते हो, मैंने मेटलर्जी में भी बताया था कि सारी मेटल्स क्या बनाती हैं, सारी मेटल्स क्या बनाती हैं, अमलगम बनाती हैं, अमलगम बनाती हैं, अमलगम बनाती हैं, लेकिन आयरन और प्लेटिनम दोनों अमलगम नहीं बनाती। तो आजा, सोडियम जब डिस्चार्ज होएगा तो मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी के साथ क्या बना देता है, मर्क्यूरी के साथ क्या बना देता है, तो अपन क्या कहते हैं, सोडियम मर्क्यूरी का अमलगम यहां पर बन जाता है, अमलगम यहां पर बन जाता है। इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ, वो क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है, क्लियर है। इस रिएक्शन को बोलते हैं अमलगमेशन, अमलगम बनना। अब सुनो, ये अमलगम बना है ना, मेटल बीजी हो गया मर्क्यूरी के साथ, ये इसको पकड़ के रखेगा, मिक्स मेटल है, जाने नहीं देगा। तुम एक काम करो, पानी डालो, पानी डालो, तो तुम्हें तुम जानते हो एल्कली मेटल को पानी दिख गया ना भाई, ये बम्बार्ड पाड़ देंगे, हालत खराब कर देंगे। लेकिन क्या है, ये इससे बंधा हुआ है, बॉन्ड बना के बैठा है, फंसा हुआ है, ट्रैप हो रखा है, जा नहीं सकता। तो ये क्या करता है, इसके साथ स्लो रिएक्शन करता है, क्या करता है, स्लो रिएक्शन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, स्लो रिएक्शन हो जाता है। स्लो रिएक्शन होने का मतलब, सर इसको गुस्सा तो आ रहा है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करना चाहता है, लेकिन मर्क्यूरी इसको छोड़ता ही नहीं है कि जा कहां जाएगा। ऐसा नहीं होता क्या, कई बार तुम गुस्से में आ जाते हो कि मैं उसको मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा, लेकिन कोई तुम्हें पकड़ ले तो तुम ऐसे झूलते रहते हो कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो तुम्हारा गुस्सा जो है वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है और तुम क्या हो जाते हो, कंट्रोल हो जाते हो। तो अच्छा, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है वाटर के साथ क्या होती है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ, विद वाटर पानी के साथ नियंत्रित अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन आया था नीट में कि सर सोडियम की वाटर के साथ जो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है,
एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, अमलगम फॉर्मेशन से। किससे कंट्रोल होता है बच्चा, ये अमलगम से कंट्रोल होता है, बाकी सोडियम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके घर वाले भी कंट्रोल है नहीं कर सकते, इसका अमलगम बना दो, इसको किसी के साथ बांध दो, इसको बांध दो, बंध गया तो अब ये बेचारा गड़बड़ कर नहीं सकता, अब धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। और यहां पर तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बनता जाएगा, प्रोडक्ट बच्चों क्या बनता जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरी फ्री हो जाएगा, मर्क्यूरी को रिसाइकल करके वापस काम में ले लो। क्लियर, किसमें, कास्नर केलनर सेल में। बच्चा क्लियर है, लपेटो, मारो फोटो, मारो फोटो, फोटो मारो, हाँ भाई फोटो मारो, फोटो मारो। प्रेम स्वामी, NaOH प्लस Hg प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल बेटा हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे, बट वो हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, बहुत कम निकलती है, मतलब स्लोली निकलती है। ये लो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लियर है, हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। चलो हो गया भाई, हो गया, अरे बोलो रे जल्दी से, हो गया भाई, चलो आगे, डन डना डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलते हैं भाई आगे। हाँ भाई चलो, चलो सर कविता, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई ये कहानी तुम्हारी क्या होती है, खत्म। किसकी रे, हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोक्साइड का निर्माण पूरा एक साथ पड़ा है बोर्ड पे, लपेट लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी, अगले कंपाउंड पर चलते हैं। ऑक्साइड, परोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तीनों के तीनों निपटा दिए भाई, ठीक है, तीनों के तीनों निपटा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, क्या होने वाला है, चलो देखते हैं, आ जाओ। भयंकर गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है जिस पर हमें बात करनी है, जिस पर हमें बात करनी है बेटा, वो क्या है, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड, कि क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सुनते जाना भाई, क्लोराइड पे क्वेश्चन आ रखा है ना, और वो क्वेश्चन कौन से मेथड पे था, NCERT का बेटा एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ पे क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर उसको गलत भी कर दिया था, जो टॉपर बच्चे थे उन्होंने भी गलत कर दिया था ना, तो कई जगह से उसके आंसर भी गलत आए थे। तो चलो बात करते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड, हाँ भाई बच्चा लोग सुनना, क्लोराइड की, क्लोराइड क्या है ध्यान से सुनना। क्लोराइड के प्रिपरेशन क्या है ना, सबसे पहले एक सिंपल मेथड, फुद्दूसा क्लोराइड। फुद्दूसा मेथड ये है, Na2CO3 है, उसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दो तो आपके पास क्या बन जाता है, NaCl एक्वास, और साथ में क्या बन जाता है, तो अपन क्या कह देते हैं, CO2 जो है वो निकल जाती है, ठीक है। क्या बोला, कार्बोनेट, कार्बोनेट वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा तो NaCl एक्वस बन जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये NaCl जो होता है बेटा, जब आप इसको गर्म करते हो, इसको गर्म करते हो तो ये क्या कर देता है, NaCl सॉलिड बना देता है, NaCl सॉलिड बना देता है, क्लियर है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, ये क्लोराइड निर्माण की पहली विधि, क्लोराइड फॉर्मेशन का पहला मेथड, ठीक है सर। अब सुनो, अब आपको दूसरे मेथड पे लेके चलता हूं, मेथड नंबर दो, इस पर क्वेश्चन आया था, इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है सर। सुनना, एक बात बताओ, आपने एक नाम सुना होगा, समुद्री जल, सी वॉटर, आपने एक नाम सुना होगा बेटा, सी वॉटर सुना है क्या सबने, सी वॉटर, सी वॉटर है ना, सी वॉटर जो होता है, समुद्र का पानी जो होता है वो क्या होता है, खारा, एकदम से खारा होता है। क्यों होता है भाई, तो अपन क्या कहते हैं कि उसमें जो है वो सोल्यूबल
सॉल्ट होते हैं, हेलाइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? NaCl चाहिए भैया, NaCl चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे क्लोराइड सॉल्ट। वहां पर क्या है सर, अबंडेंस में प्रेजेंट है, भयंकर प्रेजेंट रे। तो अपन क्या करते हैं, सी वॉटर लेते हैं। आपने देखा होगा यार, खारे पानी की झील जो होती है, खारे पानी की जो झील होती है उससे नमक बनाते हैं। तो आपने कई साउथ की मूवीज में भी देखा होगा, क्या करते हैं, खेत में साइड में दीवार बनाकर, मेड बनाकर पानी को भर देते हैं, पानी को भर देते हैं। तो वो पानी जो है वो स्लोली स्लोली इवोपरेट होता रहता है, उसका इवोपरेशन करवा देते हैं, वाष्पीकरण करवा देते हैं, ऑटोमेटिक सनलाइट में वो चलता रहता है। तो क्या होता है, सी वॉटर जो है इसका करवा देते हैं बेटा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन करवा देते हैं, पानी जो है वो सारा का सारा उड़ जाता है। पीछे उसमें जितने भी सोल्यूबल सॉल्ट थे, जितने भी थे इंक्लूडिंग इंप्यूरिटी, कुछ भी था, वो क्या हो जाता है, आ जाता है। उन सब को बोला जाता है क्रूड सॉल्ट। क्या बोला जाता है, क्रूड सॉल्ट। यानी कि क्रूड सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, कच्चा नमक या लवण, ठीक है, वो क्या होता है, क्रूड सॉल्ट, वो क्या होता है, क्रूड सॉल्ट। क्लियर है सर, अब बात पल्ले पड़ गई। अब अपन क्या कहते हैं कि ये जो क्रूड सॉल्ट होता है, इस क्रूड सॉल्ट में अपन क्या डाल देते हैं, पानी। क्रूड सॉल्ट में बेटा क्या डाल देते हैं, पानी, H2O। H2O डालते हैं ना, तो यहां पर दो कंपोनेंट मिलते हैं, दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक तो जो आपके पानी में क्या हो जाता है, सोल्यूबल। सुन लेना, NCERT में ऐसे ही लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, मैं उसको चार्ट में बना देता हूं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। क्या बोला, सी वॉटर है, उसको एक जगह बहुत सारा इकट्ठा कर लो, इवोपोरेशन करवा दो, वाष्पीकरण करवा दो, तो पीछे जो जितना भी मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं क्रूड सॉल्ट। क्लियर है, कच्चा नमक, कच्चा लवण, उसमें हम डालते हैं, उसको वहां से लेकर पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो जो सोल्यूबल होना है वो सोल्यूबल हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल। क्लियर है बेटा, इनसोल्यूबल वाले को हम फेंक देते हैं, इनसोल्यूबल वाले को हम फेंक देते हैं, हमारे काम का नहीं है, कचरा हो गया। ये जो सोल्यूबल वाला पार्ट होता है, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूबल में तीन कंपोनेंट मेजर होते हैं, कौन कौन, तो अपन क्या कहते हैं, एक तो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा क्या होता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड। तो ये जो सोल्यूबल पार्ट है ना बेटा, ये आपके काम का होता है, सोल्यूबल पार्ट जो है वो क्या होता है, आपके काम का होता है, ठीक है। अब अपन क्या करवाते हैं, भैया पानी में घुल के पड़ा है, पानी में घुल के पड़ा है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसमें हम दो काम करते हैं। पहला काम इसका क्या करवाते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाष्पीकरण करवाते हैं, इवोपोरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो पानी जो है वो उड़ना शुरू कर देता है, पानी जो है वो उड़ना शुरू कर देता है, क्या हुआ, पानी जो है वो उड़ना शुरू कर देता है। साथ में हम थोड़ी देर में क्या करवा देते हैं, सेकंड स्टेप में इसमें ड्राई HCl डालते हैं, क्या डालते हैं, ड्राई HCl। अब सुन लो, नीट वाला क्वेश्चन यहां से बना था, क्या बोला था, ये पार्ट था, इसमें क्या बोलता है, अगर ड्राई HCl पास कर दो तो PPT कौन बनाएगा, PPT कौन बनाएगा, अवक्षेपित कौन होगा पहले, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि सर कोई भी PPT बनाता है, कोई भी PPT बनाता है, PPT बनाने के लिए कंडीशन होती है KSP, क्या होती है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तुम जानते हो NaCl जो है, NaCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के कंपैरिजन में, ये बात सबको पता है, ये बात क्या है, सबको पता है NaCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है। कम होने की वजह से जैसे ही इसको क्या मिलता है, कॉमन आयन मिलता है, कॉमन आयन मिलता है, कॉमन आयन मिलता है, ये क्या कर लेता है, NaCl का PPT बना देता है, NaCl का PPT बना देता है, यानी कि NaCl वहां पर डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और आप लोगों का कैल्शियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में पड़ा रहता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी जो है वो एक्वस फॉर्म में पड़ा रहता है। तो क्वेश्चन ये था कि ये सोल्यूशन है, इसमें अगर ड्राई HCl पास करते हैं तो कौन PPT बनाएगा, कौन अवक्षेपित होगा, तो उसमें ऑप्शन था ओनली NaCl, ये आंसर था, क्या था, ओनली NaCl। तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी था, तो बच्चों ने इसको भी पेल दिया था, क्लियर है। तो ओनली NaCl सीधा NCERT में क्या है लिखा हुआ है, बात क्लियर है सबको, बात क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई, समझ ले आगे। अब सुनो अगली बात, अपन क्या कहते हैं,
अपन क्या कहते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आता है, बहुत ही प्यारा सा वर्ड आता है, ये दोनों चले जाते हैं, इंप्यूरिटी भी चली जाती है, बस NaCl अपने को चाहिए होता है। एक वर्ड आता है सर डेलिक्यूशेंट, क्या वर्ड आता है डेलिक्यूशेंट, इसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रता ग्राही जैसा कुछ बोलते हैं ना। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये NaCl जो होता है, प्योर NaCl की बात है भाई, तो अपन क्या कहते हैं कि प्योर NaCl, प्योर NaCl, शुद्ध NaCl इज नॉट डेलिक्यूशेंट, ये डेलिक्यूशेंट नहीं होता है, यानी कि ये आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता है, बात पल्ले पड़ गई, डेलिक्यूशेंट नहीं होता है, बट बिकम्स डेलिक्यूशेंट कब बन जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, कौन सी, तो अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है सर, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्यूरिटी की वजह से ये क्या कर लेता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेता है और आर्द्रता ग्राही हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या NaCl डेलिक्यूशेंट होता है, नहीं सर, NaCl डेलिक्यूशेंट नहीं होता, इज दैट क्लियर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो भैया पिछले साल नीट में आया तो इस साल तो नहीं आएगा, बट तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, लपेटो। हाँ भाई, हाँ भाई हो गया भाई सबका, ये कविता बिटिया क्या लिखा आपने, सर ओनली वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है NaCl की PPT, क्या बेटा क्या लिखा आपने, बिटिया जल्दी बोलो क्या लिखा आपने, सर ओनली वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, कविता बिटिया जल्दी बोलो क्या पूछा आपने, कुछ पूछा क्या, सर ओनली वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है NaCl की PPT, बिल्कुल ये तो आ गया बेटा, ये तो मेरे को पता चल गया, गर्मी है ना सर बस, मतलब है, अच्छा ओके अच्छा उस टाइम का कमेंट किया हुआ है क्या बावली बेटी, चलो ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल, एनर्जी के लिए चाय मंगवाई है, चाय जल्दी आ रही है बस, हाँ चाय से एनर्जी मिलेगी, हाँ भाई चला आगे फिर चलते हैं। हाँ भाई ये क्लोराइड का खेल खत्म, क्लोराइड के लिए ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये आप दोनों आपको बता दी गई है, ठीक है सर, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्लोराइड के बाद अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, अगला जो पॉइंट है, वो क्या है उसकी बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और पानी पीकर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगली बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे बेटा किसकी कार्बोनेट की, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 माइनस टू,
सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट दोनों की बात करनी है, ठीक है। तो सुन लो, कार्बोनेट बनाने के लिए सबसे प्यारा मेथड, कार्बोनेट बनाने के लिए सबसे प्यारा मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, सोल्वे प्रोसेस। क्या होता है? सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस की बात होती है, ठीक है। अब देखो सर, सोल्वे प्रोसेस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। रिसेंटली इन सालों में सोल्वे पर क्वेश्चन नहीं आया है, इन सालों में रिसेंटली क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आज के 4-5 साल पहले जो है वो सोल्वे पर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सी कंडीशन बनती है, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। आ जाओ, सोल्वे प्रोसेस जो होता है वो क्या है और क्या मटेरियल उसमें चाहिए होता है। रॉ मटेरियल, एक तो आपको अमोनिया, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, अमोनिया चाहिए, CO2 चाहिए और NaCl चाहिए, एक्वस, ये तीन चीज चाहिए होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की भी जरूरत पड़ती है, कहाँ पड़ती है वो बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन से मीडियम में, वाटर में, बिना पानी के रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। दोनों गैस हैं और गैस जो है वो हवा में रिएक्शन नहीं करता बेटा, एक मीडियम में रिएक्शन करेगा। तो यहां पर देखो, तुम जानते हो ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है और वाटर मिला हुआ है, ये एसिड है, ये बेस है और ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है। बात पल्ले पड़ गई भाई, क्या है, ये एसिड है, ये बेस है और ये हमारा सॉल्ट है। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि अगर कोई भी कार्बोनेट होता है, अगर वो पानी में पड़ा है, कोई भी कार्बोनेट अगर पानी में पड़ा है और आप लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर देते हो, तो बच्चा वो क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट। अरे वो क्या बना देता है, अमोनियम का बाइकार्बोनेट, यानी कि यहां पर आपके पास क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट। क्लियर है, क्या बोला, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सोल्ट बना, सोल्ट में CO2 पास करा, क्या बन गया, बाइकार्बोनेट, वेरी सिंपल। आ जाओ, ये जो अमोनियम का बाइकार्बोनेट होता है, ये अमोनियम का बाइकार्बोनेट होता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्शन होती है। तो सुन लो, ये वीक बेस, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, डिस्प्लेसमेंट होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा तो स्ट्रॉन्ग वीक को उड़ा देगा, तो यहां पर बन जाएगा सोडियम का बाइकार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, अमोनियम का क्लोराइड, क्या बन जाएगा, अमोनियम का क्लोराइड, ठीक है सर। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, हमें जरूरत पड़ेगी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर की। कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर क्या काम करता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर क्या काम करता है, तो हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम करते हैं गर्म, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो यह बनाता है कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहां काम में ले लेता हूं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा मैं यहां पर काम में ले लेता हूं, बचा हुआ पीछे CaO कैल्शियम का ऑक्साइड, इसको मैं अब काम में लूंगा, कहां पर, सोडियम अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो आ जाओ भैया, आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा है, एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा है, इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एक्वस के साथ करवा दो, क्योंकि पानी में रिएक्शन होएगी। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लैक्ट लाइम। जब ये रिएक्शन होएगी, ये रिएक्शन होएगी तो बैंड बजेगा, क्या बजेगा, सुन लो, कैल्शियम का ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस उड़ा देगा, क्या बना देगा, अमोनिया गैस, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या बना देगा, कैल्शियम का क्लोराइड और साथ में पानी, क्लियर है। अब सुन लो, अमोनिया जो बनता है, अमोनिया जो बनता है इसको वापस यूज कर लेते हैं, तो ये जो अमोनिया बनता है इसको क्या कर लेते हैं, यूज्ड अगेन, दोबारा यूज कर लेते हैं, कहां पर, यहां पर रॉ मटेरियल में, कहां पर, यहां पर रॉ मटेरियल में। अब अगली बात सुनना, देखो सर, क्या बनाने चले थे रे, सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट बना हुआ पड़ा है ना, पड़ा है ना, आ जाओ, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को कर दो गरम,
सोडियम बाइकार्बोनेट को कर दो गरम, गरम करते ही ये क्या बना देता है, सोडियम का कार्बोनेट साथ में CO2 और साथ में क्या निकाल देता है H2O। ये जो CO2 निकलता है, ये जो CO2 निकलता है, आप इसको वापस यहां पर यूज कर सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो CO2 होता है इसको क्या कर लो, यूज्ड अगेन, दोबारा से यूज कर लो। क्लियर है? अब सुनो सर, ये तो होता है पूरा प्रोसेस, ये तो होता है पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, उसकी मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये नहीं आता कि सॉल्वे प्रोसेस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सॉल्वे प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, सुन लो, ध्यान से सुनना। तो अपन क्या कहते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। H2O कट गया, पानी कट गया, आ जाओ। अपन क्या कहते हैं कि सर पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस, बाय सोल्वे प्रोसेस, बिकॉज क्यों, क्यों? तो ध्यान से सुनना, एक प्रोडक्ट बनाया था हमने, ये वाला, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज हाईली सोल्यूबल, इज हाईली सोल्यूबल इन वॉटर, पानी में हाईली सोल्यूबल होता है। सोल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम इसको वाटर से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो बेटा रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होता। तो अपन क्या कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट तो बना सकते हैं लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। कारण क्या है, इसका जो इंटरमीडिएट होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये हाईली सोल्यूबल होता है पानी में। अब सुनो, अब अपन क्या कहते हैं कि यार अगर पोटेशियम कार्बोनेट बनाना हो तो मास्टर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं ली ब्लैंक मेथड, उसकी अपन बात करेंगे। फोटो खींचो बेटा, इस पे दो तीन बात और बताऊंगा अभी, फोटो खींचो, पहले फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो भाई, हाँ जल्दी से फोटो खींचो बेटा, फोटो खींचो, हो गया भाई सबका, हो गया बच्चा, चलो सबका हो गया, ठीक है सर। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, हालत खराब हो गई भाई, अब तो पढ़ाते पढ़ाते आ जाओ, देखो इधर देखते हैं, बात करते हैं, बहुत गर्मी है, भयंकर गर्मी है। देखो ये जो रिएक्शन होती है ना भाई, ये पूरा रिएक्शन हुआ, इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सोल्वे प्रोसेस से क्या बना सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, क्या नहीं बना सकते, पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, क्लियर है? दूसरा, सोडियम कार्बो पोटेशियम कार्बोनेट क्या बना लेता है, यहां पर पीपीटी, जिसको गर्म करके मामला सेटल कर देते हैं, ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अगली बात सुनना, देखो सर, देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है, ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जो 100% वापिस आ जाता है, ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो जितना लगाया उतना वापिस आ जाता है। देखो रॉ मटेरियल कौन है, NH3CO2, पानी की बात मत करिए, और पानी रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, NH3 और CO2, CO2 जो है पूरा का पूरा यहां पर आया जितना लिया, पूरा का पूरा यहां पर आया जितना लिया, सही समझ में आ रहा ना, जितना CO2 यहां पर काम में लिया उतना CO2 यहां आ गया, सही है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा CO2 यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा CO2 इसके पास है, ये पूरा का पूरा इसके पास चला गया, सुनते जाए ना, पूरा का पूरा CO2 का खेल समझा रहा हूं पहले, ये CO2 जो है, ये CO2 जो है, अत्तरी मेरा CO2 कहां, अच्छा इधर है, ये जो CO2 है पूरा का पूरा इसके पास है ना, ये पूरा का पूरा इसके पास है, तो कुछ तो ये रख लेगा और कुछ ये ले जाएगा, कुछ तो ये रख लेगा और कुछ निकाल देगा, तो CO2 जो है वो यहां पर कार्बोनेट में चला गया, तो क्या ये 100% वापस मिल सकता है क्या, नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, 100% रिकवरी नहीं होती, 100% रिकवरी नहीं होती। पहली बात क्लियर है सबको, CO2 जो है वो कार्बोनेट में जाने की वजह से 100% वापस नहीं आता है, लेकिन अमोनिया जितना लिया उतना इसके पास,
उतना इसके पास, ध्यान से सुनते जाना अमोनिया का खेल, उतना इसके पास पूरा का पूरा, बच्चा पूरा का पूरा इसके पास, ये पूरा का पूरा यहां से निकल गया, समझ गए। तो ये जो अमोनिया होता है, ये जो अमोनिया होता है 100% रिकवर होता है, 100% रिकवर होता है। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो? इसका भी फोटो मार लेना, बीच में एक बात एक्स्ट्रा आ गई है, इसमें भी एक बात एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है बेटा। तो सॉल्वे प्रोसेस तक आपको समझा दिया है कि सॉल्वे प्रोसेस में 100% अमोनिया जो है वो वापस रिकवर हो जाती है, 100% अमोनिया जो है वापस रिकवर हो जाती है। बहुत बढ़िया बेटा शिवानी प्रेम, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, इसका फोटो मार लेना भाई। चलो ठीक है सर, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। फोटो मार लिया होगा आपने, हो गया, ठीक है। अब सुनो, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगला लेक्चर जो है वो कल नहीं परसों होगा, क्यों? कल जो है वो RBTS का पेपर है, RBTS 2, वही टाइम 5 से 8, बढ़िया पेपर करो, बढ़िया फोड़ो। कल तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी है, शाम को 5 से 8 अपना जो पेपर है वो आएगा, ठीक है सर। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो वो बता देना, ठीक है, नंबर आपके पास है, कॉल मैसेज कर देना, बात अपन कर लेंगे, ठीक है सर। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।